नमस्कार, डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्वाद से भरपूर सेवइयां उपमा। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और ये बहुत हेल्दी भी होता है, क्योंकि ये बहुत ही कम तेल में बनकर तैयार हो जाता है और इसमें बहुत सी सब्जियां भी डाल सकते हैं, जो सबके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसे हम कुछ नए तरीके से बनाएंगे जो इसके स्वाद को 2 गुना बढ़ा देगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए हमने सेवियां ले ली हैं। हमने ये बारीक वाली सेवियां ली हैं, इसे वर्मीसली भी कहते हैं। ये मार्केट में आराम से मिल जाती हैं और ये ग्राम के हिसाब से हमने 250 ग्राम के करीब ये सेवियां ले ली हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक कढ़ाई ले लेंगे, गैस ऑन करेंगे और इस कढ़ाई को हमने गर्म कर लेना है। जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो हम ये जो सेवियां हैं इसमें डाल देंगे। उस टाइम हमने ना तो इसमें घी डालना है ना ऑयल डालना है, इन सेवियों को डालना है और गैस को हमने मीडियम कर देना है और सेवियों को हमने भून लेना है सुनहरा होने तक, लेकिन हमने चलाते हुए भूनना है। ये हो गई हैं, आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा सुनहरा कलर आ गया इसका। अब गैस को हमने बंद कर देना है। इसे करने में हमारे 4 से 5 मिनट लगे हैं और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब वही वाली कढ़ाई हमने ली है, गैस ऑन करेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और उसे फैलाते हुए गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो गया, इसमें डालेंगे 2 चुटकी हींग। 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन, इसका बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। 1/2 टीस्पून डालेंगे राई, पहले इसे हम चला देंगे। मैंने ले लिया था 1 आलू, ये बड़े साइज का आलू था, उसको मैंने छील लिया था, कच्चा आलू था, उसको मैंने बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है, आप देख पा रहे होंगे। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, मैं वो डाल रही हूँ। अब गैस को हमने मीडियम करकर आलूओं को ऐसे ही पका लेना है, थोड़ा सा जो आलू है ना थोड़े सॉफ्ट हो जाएं चलाते हुए। हमने 2 मिनट तक आलूओं को पका लिया है। इसके साथ ही मैंने ले लिया था 1 प्याज, ये बड़े साइज की प्याज थी, इसको मैंने पत्ता पत्ता लंबा लंबा काट लिया है, मैं वो डाल रही हूँ। अब प्याज को भी हमने 1 मिनट के लिए भुनना है, ज्यादा नहीं भुनना। प्याज भी हमारी हो गई है। इसके साथ ही मैंने ले ली थी 1 गाजर, जिसको बिल्कुल बारीक बारीक काटा है, आप देख पा रहे होंगे पत्ता ही काटे गाजर को। और इसके साथ ही मैंने ले लिए थे मटर, मैंने फ्रेश मटर लिए हैं 1 कटोरी, वो डाल रही हूँ। सब्जियाँ आप अपनी पसंद की डाल सकते हैं। इन चीज़ों को भी हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे मीडियम गैस पर। ये देखिए, हमने अच्छे से इन सब चीज़ों को पका लिया है 2 मिनट के लिए। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले। 1/2 टीस्पून में डाल रही हूँ इसमें हल्दी पाउडर, नमक आप स्वाद अनुसार डालें, मैं इसमें 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी कम डाल रही हूं मैं इसमें पिसी हुई काली मिर्ची, मिक्स कर दें। इसके साथ ही मैंने ले ली थी 3 हरी मिर्ची, उनको मैं स्लिट करके डाल रही हूं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्ची ध्यान से डालें। मैंने इसलिए स्लिट करके डाली है कि जो जिनको नहीं पसंद हो वो आराम से निकाल पाएगा। इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें। ये मिक्स हो गया। मैंने ले लिया था 1 टमाटर, उसको छोटे टुकड़ों में काट लिया था, वो डाल रही हूँ। पहले इस टमाटर को इसमें अच्छे से मिक्स कर दें। अब गैस को हम कर देंगे लो मीडियम और इसको हम ढक देंगे 2 मिनट के लिए। हमने ले ली थी 1 कटोरी सोयाबीन की वड़ी, इसे न्यूट्रिला भी कहते हैं, सोया चंक्स भी कहते हैं, और ये मैंने 1 कटोरी ली थी, ये 50 ग्राम के करीब है।
इसको मैंने तेज गर्म पानी में 10 मिनट के लिए भिगो दिया था। पानी मैंने तेज गर्म लिया था और 10 मिनट भिगोया था और ये फूल गई थी। आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ये कितने अच्छे से फूल गई है। इसको मैंने हल्का हल्का निचोड़ लिया था। ये 2 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए, इसको अब हम चेक कर लेते हैं। अब जो ये सोयाबीन है ना, इसको भी हम इसमें डाल देंगे और इसको भी हम 2 मिनट के लिए इसमें पका लेंगे ऐसे ही चलाते हुए ही। हमने 2 मिनट तक सोयाबीन को भी इसमें पका लिया है। अब इसके स्वाद और टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून चाट मसाला। चाट मसाला आप डाल रहे हैं तो नमक बहुत ध्यान से डालें, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। अच्छे से मिक्स कर दें। अब इसमें डालेंगे पानी। पहले मैं 1 ग्लास पानी डालूंगी, मिक्स कर दें। पानी डालते वक्त आप नमक चेक कर सकते हैं, कम ज़्यादा हो तो आप इसे डाल सकते हैं। 1 ग्लास पानी मैं और डाल रही हूँ। तेज गैस पर एक उबाला आने देंगे। ये उबाला आ गया। अब इसमें हम सेवियां भी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स हो गया। हम गैस को कर देंगे लो मीडियम और इसको ढक देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। ये 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। एक बार इसको हमने बीच में चला भी दिया था। आप देख पा रहे होंगे अब इसमें पानी नहीं है और ये कितनी खिली खिली बनी है। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 नींबू। मैं इसमें 1/2 नींबू निचोड़ रही हूँ। अगर आप ज्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो आप नींबू की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। मैंने गैस को बंद करके फिर नींबू डाल रही हूँ मैं। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर दें। देखिए ये मिक्स हो गया, ये बनकर तैयार है। इस ढंग से आप सेवियां उपमा बनाएंगे, ये सबको बहुत ही पसंद आएगा और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।